अपने जी क्या नाम है आपका, कहाँ मंदिर है, कहाँ दवात की स्थिति बनी हुई है? ये हमारी में पारंदा नगर में श्री खेरापति मनसापुर हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के ही प्रांगण में श्री शिव जी का पंचायतन एक मंदिर है। मंदिर प्रांगण में ही जो है सामने की तरफ, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक आर्मी के रिटायर्ड जागेश्वर यादव का घर है। जागेश्वर जी का कहना है कि मंदिर के ठीक बगल से, ये विवाद आज का नहीं है, पिछले 20-25 वर्षों से चला आ रहा है, उनका कहना है कि मंदिर के ठीक बगल से मेरा रास्ता जीडीए की दीवार तोड़कर है। लेकिन सर्वप्रथम तो बात यह है कि जीडीए ने किसी को रास्ता दिया ही नहीं है इस तरफ से। दूसरी बात यह है कि अनलीगल आप 20-25 वर्षों से उसके मंदिर के ठीक बगल में जितना आपका रास्ता है उसमें आप पूरी तरह से कब्जा किए हुए हो। जब आप पूरी तरह से कब्जा किए हुए हैं तब फिर आप मंदिर बनाने में क्यों रोक रहे हैं? जब आप बताते हैं कि ये मेरा रास्ता है तो फिर आप इसके पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं? तो आप ये बताइए कि सभी तरह से आप मंदिर को ही क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं? मंदिर के लिए पुजारी को ही हमेशा क्यों दोषी ठहराते हैं? ये बगल में जो मंदिर की नाली है ये पिछले 20-25 वर्षों से इसी तरह से चल रही है, उनके ठीक पीछे से ये नाली इसी तरह से गई हुई है, लेकिन वर्तमान में इस नाली का पानी इन्होंने रोक दिया है। अपने ठीक पीछे इन्होंने नाली को ऊंची कर दिया है, इससे मंदिर के जो पानी है वो अभी रुक गया है पूरी तरह से, और हम मंदिर की ना तो धुलाई कर पा रहे हैं ना मंदिर की किसी भी तरह से सफाई कर पा रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है कपड़े को लेकर? वर्तमान में ये टीन सेट उसी तरफ को 2.5 फुट था, जो कि एमएलसी साहब ने, उनकी मैडम यहाँ डेली आती हैं, माननीय रामतीर्थ सिंघल जी की मैडम का यहाँ डेली आना है। शाम के समय वो दिया रखने आती हैं, भगवान के दर्शन करने आती हैं। उन्होंने एक दिन, उनके पैर में चोट लगी, यहाँ पे आप देखिए पूरे में यहाँ टूटे टूटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनके पैर में एक दिन चोट लगी तो उन्होंने बोला, जैसे ही उन्होंने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, पहले ये महापौर थे, महापौर थे, जब ये पूर्व महापौर बने तो उनकी मैडम ने एक दिन यहाँ प्रार्थना की भगवान से, शिव जी से, कि भाई साहब को कोई अच्छा सा पद मिल जाए और मैं यहाँ पर टीन सेट डलवाऊंगी और काम करवाऊंगी। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर भाई साहब के पास फोन आता है कि आपको एमएलसी के लिए चुन लिया गया। तो जब इतना बड़ा काम उनका हो गया तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो उन्होंने बोला था वो करेंगी। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये टीन सेट डलवाया, और जब टीन सेट उन्होंने डलवाया तो उनको तो कोई यहाँ का विवाद मालूम था नहीं, और ना वो विवाद में पड़ना चाहते थे, उन्हें कुछ पता था नहीं। तो उन्होंने हमसे एक दिन कहा, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात सोची है आपने, आप डलवा दीजिए। तो उन्होंने एक सादिक नाम का मिस्त्री है उसको बुला के उन्होंने टीन सेट डलवा दिया। टीन सेट डलवाने के बाद, ये उस समय थे नहीं, इनकी मैडम सामने खड़े होके पूरा दृश्य देख रही थी, इनकी मैडम के सामने पूरा काम हुआ है। अगर हम लोग गलत काम कर रहे होते तो इनकी मैडम हमको रोक सकती थी, लेकिन इनकी मैडम के सामने और सिंघल जी की मैडम से इनका, इनकी मैडम का बहुत अच्छा राम राम दुआ सलाम रोचता है, और वो सामने से खड़े और वो खुद कह रही थी इनकी मैडम कि आप बहुत अच्छा काम करा रही है, कराइए। लेकिन पता नहीं ना इस व्यक्ति को क्या समस्या रहती है, इस गली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से तो इसका झगड़ा है, और मंदिर पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से लगभग इसका झगड़ा रहता है। और मैं पुजारी, मैं कभी इससे मैंने कोई द्वेष भावना नहीं रखी है, लेकिन मैं तो मंदिर के लिए, भैया पुजारी मंदिर के लिए होता है तो मैं तो मंदिर के हित में ही सोचूंगा। मैं यहाँ कौन सा अपना मकान बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने हित की बात, शिव जी के मंदिर बनाने की बात मैंने कही। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए, भगवान थोड़ा सा दब गए, उनको थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, बस इतना सा काम यहाँ होना था। नहीं माने तो हमने कंप्लेन की, ऐसे साहब के पास गए, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने फिर हमको आश्वासन दिया कि आप मंदिर जहाँ था वही बनेगा। मंदिर इन्होंने खिसकाने के लिए बहुत प्रेशर बनाया। आप ये बताइए कि कोई मंदिर कहीं से 5 फुट खिसक जाता है क्या? ये कह रहे हैं कि 5 फुट मंदिर सरका लो, यहाँ से मेरा रास्ता है। आपका रास्ता है तो आप सामने से रास्ता खोल के दिखाइए या लीगली पेपर दिखाइए, आप 2 में से 3 में से कोई एक काम तो करके बताइए। हम ये चाहते हैं सर्वप्रथम तो ये मलबा यहाँ से हटवाया जाए, क्योंकि अगर ये मलबा नहीं हटता है, बारिश का मौसम है, उसमें जीव जंतु, जो मलबा 20-25 वर्षों से डला हुआ है उसमें जीव जंतु तो होंगे ही, इतना तो सभी जानते हैं। उसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 किलो के तो चूहे पले हैं, सांप बिच्छुओं का पलना है। आप 10 मिनट यहाँ रुक के देख सकते हैं, आपको एक ना एक जीव जंतु यहाँ दिखाई दे जाएगा, और इन्हीं जीव जंतुओं का कभी कभी मंदिर के अंदर भी आना हो जाता है। जीव जंतु है तो गर्मी होंगी तो निकलेंगे, तो बाहर मंदिर में भी आना। अब मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, अगर लाइट जाती है अंधेरे में, किसी का पैर जानवर में पड़ जाता है और कोई जानवर अगर किसी को काट लेता है तो इसका दोषी कौन होगा? महाराज जी, आप लगातार जी इंटरव्यू मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचे, जो सरकार नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक क्या संदेश जाने वाला?
मैं सभी लोगों से यही विनती करता हूँ कि हम सर्वप्रथम तो हम इस मामले में कोई झगड़ा चाहते ही नहीं है, और हम सभी से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मामले में कोई हाई प्रोफाइल मामला कोई है नहीं, और एक ही धर्म के लोग हैं तो इतना कोई विवाद की बात भी नहीं है यहाँ पे। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो छोटी सी एक बात है, एक धार्मिक सौहार्द बना के चले। जैसे कि हमने आपसे कहा आपको अगर रास्ता है तो आप उसके पेपर दिखाएं, और अगर थोड़ी सी आप लोगों की शक्ति जाहिर है तो हम तो ये नहीं चाहते कि हम कानूनी प्रक्रिया करें। आप इतना जानते हैं कि धार्मिक मामला है, अगर हम कानून के साथ आ गए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि जनता यहाँ पर कोई उदमबाजी करे। हम इतना कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं BHP से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं RSS से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं धर्म जागरण प्रमुख भी हूँ। प्रेमनगर थाने से अतुल साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंदिर जहाँ था वहीं रहेगा, और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये मलबा कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा। इनसे बोला गया है कि आप पेपर लाके दिखाइए, लेकिन आज 4 दिन होने जा रहे हैं, ये पेपर के नाम पर एक कोई भी चीज दिखा नहीं पाए हैं।